हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। तो सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है? जैसे कि हम लोग को दोस्तों कोई भी मतलब दिया है काम 100 पेज वेब पेज बनाने के लिए, तो हम लोग को उसमें करना क्या है, हम लोग जो 100 वेब पेज बनाएंगे उसमें हम लोग ये एक्सटर्नल सीएसएस एचटीएमएल के पेज में एक अलग से सीएसएस का फाइल बनाएंगे। वो फाइल में हम लोग बैकग्राउंड कलर या जो भी हम लोग को टेक्स्ट का कलर या जो भी मतलब चेंजेस करना हो, सारा चीज हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फाइल सीएसएस में दोनों को मतलब लिंक कर देना पड़ेगा। एक एचटीएमएल का फाइल में हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे, और ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है हम लोग ये लोग इस एचटीएमएल के फाइल के बाहर करेंगे, और उस फाइल को हम लोग सीएसएस जो करेंगे इसके साथ एचटीएमएल के साथ वो जो सीएसएस हम लोग एक्सटर्नल में करेंगे अलग से फाइल बनाकर उसको यहाँ पर लिंक करना है। तो आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस के फाइल बनाने के लिए या मतलब कैसे लिंक करते हैं ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अपना एचटीएमएल का एक फाइल बनाए, इसी तरह से हम लोग एक क्या करेंगे अलग से सीएसएस फाइल बनाएंगे, बाद में उसको यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस के जगह इसके साथ लिंक कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाकर न्यू ले लेंगे। ये जो न्यू हम लोग फाइल लिए हैं इसमें हम लोग सीएसएस का कोड लिखेंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले सीएसएस वाला फाइल में हम लोग को सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, जैसे कि बॉडी हम लोग ले लिए। इसके अंदर हम लोग जो है जैसे कि बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर हम लोग जैसे कि ले लिए, बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लिए जैसे कि पिंक। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। जैसे फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी सेलेक्टर जो स्टार्ट किए थे सो हम लोग को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का फाइल है माई न्यू डॉट सी एस एस फाइल में हम लोग इसको सेव किए। जैसे हम लोग सेव करते थे फाइल में जाकर एच टी एम एल हम लोग डॉट लिखते थे, बट हम लोग डॉट सी एस एस लिख के सी एस एस का फाइल में सेव किए। ये जो हम लोग का फाइल है ये प्योर सी एस एस फाइल है, पूरी तरह से सी एस एस फाइल है। इसमें आप देख रहे हैं ना कोई मतलब एच टी एम एल का कोई भी टैग नहीं है, मतलब ये प्योर सी एस एस फाइल है। और इससे पहले जो किए थे वो हम लोग का कौन सा फाइल था, वो हम लोग का प्योर सी एस एस नहीं था, वो एच टी एम एल फाइल था। इसमें देख रहे हैं सिर्फ बॉडी है, जो बॉडी टैग लिए हैं बॉडी के लिए यूज होगा, और पी जो टैग है पैराग्राफ के लिए, एच जो टैग है हेडिंग के लिए यूज होगा। तो ये यूज हम लोग कहां पर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे एच टी एम एल के फाइल के साथ सी एस एस का जो ये प्योर फाइल है ये दोनों को हम लोग को लिंक करना है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हम लोग सी एस एस का फाइल सेव किए थे न्यू वन के, ये सी एस एस का फाइल हम लोग सेव कर लिए, वो जो किए ये प्योर सी एस एस जो फाइल है इसको हम लोग सेव कर लिए हैं। अब इसको लिंक करेंगे एच टी एम एल के साथ। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो सी एस एस फाइल है, हम लोग को इसमें जाना पड़ेगा एच टी एम एल वाला फाइल। ये एच टी एम एल का एक फाइल हो गया, देख रहे हैं एच टी एम एल प्योर एच टी एम एल है, और हम लोग ये एक सी एस एस जो फाइल किए हैं ये CSS वाला फाइल है, और इससे पहले क्या था HTML का फाइल था। दोनों हम लोग फाइल बना रहे हैं, ये HTML का और ये CSS का, HTML CSS। HTML का अब हम लोग यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, वो जो हम लोग लिए थे मतलब जहां हम लोग का जरूरत होगा वहां लिंक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे कौन सा, ये CSS वाला को, ये जो प्योर CSS को ये HTML के साथ लिंक करेंगे। इसके लिए जस्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग लेना पड़ेगा। लिंक टैग ले लिए, इसी के अंदर हम लोग दो फाइल को लिंक करेंगे। इसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा रिलेशन, यानी कि एल रिलेशन हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू, रिलेशन इक्वल टू हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टाइल शीट लिखना पड़ेगा। स्टाइल शीट हम लोग ले लिए, उसके बाद हम लोग को इसको इन्वर्टेड कॉमा कर देना, फिर टाइप ले लेना कौन सा टाइप हम लोग को चाहिए। हम लोग जैसे कि टाइप में क्या ले सकते हैं, टेक्स्ट या सी एस एस टाइप ले सकते हैं, तो सी एस एस टाइप हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम लोग लिंक करना है एच ई आर, हम लोग यहाँ पे माई डॉट एच टी एम एल। तो क्या जो भी हम लोग नाम दिए थे यहाँ पे हम लोग वही चीज ऐड करेंगे जिसका हम लोग नाम दिए थे। हम लोग नाम जैसे कि किस चीज का दिए थे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं न्यू वन डॉट सी एस एस दिए थे, तो इसमें हम लोग को क्या करना है इसी फाइल को लिंक करना है। तो यहाँ पे हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा ले लेना है। हम लोग देख लिए इसको ले लिए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का न्यू डॉट ये फाइल और ये एच टी एम एल के फाइल के साथ हम लोग लिंक ले लिए हैं। तो स्टाइल शीट जो है सी एस एस का वो इसमें क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा।
तो जनरली होगा क्या, हम लोग का जो ये सी एस एस फाइल एच टी एम एल के साथ लिंक कर दिए हैं, तो हम लोग ये जो बॉडी टैग लिए हैं, ये बॉडी इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी टैग जो है इसमें हम लोग को कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक, ठीक है, कुछ भी लिखने पर। उसके बाद हम लोग क्योंकि लिंक कर दिए, हेड टैग के, हेड के अंदर हम लोग क्या लिए हैं, जो भी कलर लिए हेड के अंदर हम लोग कलर लिए रेड, या पैराग्राफ कोई लिखेंगे उसको ऑरेंज करेंगे। तो इस फाइल में हम लोग जो भी लिखेंगे, ये जो सी एस एस का न्यू फाइल बना के लिंक कर दिए हैं, वो सब एच टी एम एल फाइल में दिखाएगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ कोई भी ले लेते हैं। पैराग्राफ के टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे कि हाय दिस इज माय चैनल, हम लोग ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिए हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट, सो हम लोग इसका आउटपुट देख रहे हैं, ये जो हम लोग लिए हैं मतलब पैराग्राफ में, वो ऑरेंज आ गया है, और ये जो है मतलब पिंक आ गया है। ये आउटपुट कब है, जब हम लोग एच टी एम एल में सी एस एस फाइल को एड कर दिए। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर H1 टैग भी ले ले, फिर भी ये प्रॉपरली काम करेगा। जैसे कि हम लोग H1 ले लेते हैं, H1 लेके कुछ भी हम लोग, जैसे कि दीपक टेक्नोलॉजी कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे H1 टैग ले लिए, H1 टैग लेके हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे सी एस एस में हम लोग देख रहे हैं, प्योर जो सी एस एस था, बॉडी ले लिए उसका पिंक आया था, पैराग्राफ जो लिए उसका ऑरेंज आया था, हम लोग एच वन लिए, तो एच वन का हम लोग का क्या आना था, ये रेड आना चाहिए। ये हम लोग सी एस एस फाइल में प्योर में करके हम लोग जब एच टी एम एल के साथ देख रहे, यहाँ पे हम लोग लिंक किए हैं, लिंक करने के बाद हम लोग जो भी ले रहे, हम लोग को 100 पेज अगर बनाने भी दे, तो 100 बार हम लोग को टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा, कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिखने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो फिर आइए हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आप लोग देख पा रहे हैं, H1 जो हम लोग लिए हैं उसका कलर रेड हो गया, H1 हम लोग जो पैराग्राफ लिए थे उसका ऑरेंज हो गया, और बॉडी का जो ये जो पूरा बॉडी है आपका, इसका कलर पिंक हो गया। तो यही ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, HTML और CSS के फाइल को लिंक करते हैं। पहले हम लोग CSS का प्योर फाइल बनाएंगे, फिर HTML का फाइल बनाएंगे, कोड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग CSS और HTML के फाइल को मर्ज कर देंगे, तब हम लोग को 100 पेज में अलग से कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिखने से ही हम लोग का काम पूरा बन जाएगा। तो यही था दोस्तों, HTML और CSS फाइल को कैसे ऐड करते हैं, लिंक करते हैं, और कैसे एक्सटर्नल फाइल हम लोग अपना वेब पेज में एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।